नैमिसारण में समाजवादी पार्टी के प्रशिक्षण शिविर का आज समापन हुआ है। बीजेपी पर जमकर बरसे अखिलेश यादव। जी हां, उन्होंने जाति गणना पर भी अपनी बेबाकी से बात रखी है। लगातार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हाथों शिकस्त खा रही सपा अब संगठन को नए सिरे से कसने की कवायद में जुटी हुई है। 2024 के आम चुनाव से पहले पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव इस काम को पूरा कर लेना चाहते हैं। इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रदेश भर में पार्टी कार्यकर्ताओं को पुनः रिचार्ज करने के लिए अलग अलग जिलों में सपा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन लगातार हो रहा है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव भी लगातार शिरकत करते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने आज सीतापुर जिले में स्थित प्रसिद्ध नैमिसारण्य में सपा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इसका आज अंतिम दिन था, जिसमें पूर्व सीएम अखिलेश यादव सहित राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव और राज्यसभा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव समेत अन्य तमाम वरिष्ठ नेता पहुंचे। यहां अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और उन्होंने जाति जनगणना पर भी अपनी बात रखी। आइए एक बार अखिलेश यादव को सुना जाए। आपका और आज इतनी गर्मी, जहां तीन शेड पंडाल और दूर दूर से चलकर के आए कार्यकर्ताओं ने परवाह नहीं की और यहां पर लगातार 2 दिन पार्टी के वरिष्ठ नेता उन्होंने जानकारी दी। लोक जागरण कार्यक्रम, लोक जागरण सम्मेलन इसलिए जरूरी है कि हमारा ग्रास रूट कार्यकर्ता ये जाने कि जनता के सामने क्या चुनौतियां हैं और भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से लगातार झूठ बोल करके, गुमराह करके और समय समय पे गलत प्रोपोगेंडा करके वोट हत्याने का काम कर रहे हैं। जो वादे उन्होंने किए वो आज पूरे नहीं थे। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाया, जमीन पर क्या है? इतने एमओयू किए, एमओयू जमीन पर कितने हैं? आपने कहा बेरोजगारी दर ये है, कितने नौजवानों को नौकरी दी आपने? चरम सीमा पर महंगाई है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है। आप सपने तो दिखा रहे हैं लेकिन आखिरकार आप कर क्या रहे हैं जनता के लिए? सांड से मर रहे लोग, फेक इनकाउंटर से लोगों की जान ले रहे हो आप, एक्सीडेंट से मर रहे हैं, कोई मदद नहीं मिल रही, पुलिस कस्टडी में लोग मर रहे हैं, कचहरी में हत्या हो रही है, जेल में हत्या हो रही है। और आज के समय पर कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा, ना पैसा लगने जा रहा है। आजकल टेक्नोलॉजी के माध्यम से सरकार चाहे तो 1 महीना 2 महीना 3 महीने के अंदर सब जाति जनगणना हो सकती है। यहां जितने लोग मोबाइल चलाते हैं वो जानते होंगे कि अगर आप किसी का नाम टाइप करते हो, अगर ए टाइप करते हो, आर टाइप करते हो, उसके बाद जो शब्द टाइप करते हो तो पूरा का पूरा मोबाइल वो नाम और नंबर पूरा दिखा देता है। क्या ये नए नौजवान ये बात को नहीं समझते कि जैसे ही आप नाम टाइप करोगे पूरे के पूरे उस नाम को सामने जितने नाम लिखे हुए सब आ जाते हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि सरकार के पास आधार कार्ड है, आधार के माध्यम से पूरे आंकड़े हैं सरकार के पास, सरकार के पास बैंक अकाउंट हैं। कोई ऐसा परिवार नहीं, कोई ऐसा सदस्य नहीं जिसका अकाउंट या आधार ना बन गया हो। बताओ आप सबका आधार बन गया कि नहीं बन गया? सबकी जाति लिखी है कि नहीं लिखी उसमें? ये अपने लिए तो गिन लेते हैं लेकिन किसी योजना के लिए नहीं गिन रहे हैं। इसे